तो उस लाश को हमको लाके पिताजी, हमने उस लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए हमने रिपोर्ट करे थाना को। अच्छा और उसके बाद हम क्या किए, जो उसी को लाए और अंतिम संस्कार करके और उसके बाद हमने घर आया। की सूचना मिली थी परिजनों के द्वारा, उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। बाद में जो व्यक्ति है वो सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं। क्या हो जब दो दिनों के बाद मृतक व्यक्ति अपने घर को पहुंचे। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के औराई थाना क्षेत्र के बभनगावा गांव का है, जहां 10 रोज पूर्व तेजू सहनी कचहरी जाने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद वो अचानक गायब हो गए थे। इसी बीच परिजनों के द्वारा उनकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन वो नहीं मिले। इसी बीच उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ, उसके ठीक क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी। इसी बीच भगवती के मुख्य धारा से एक शव बरामद होता है, जिसके बाद इनका पुत्र वहां पहुंचता है और शव की पहचान अपने पिता के रूप में करता है, जिसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। वहीं पोस्टमार्टम के आने के बाद उनके लड़के के द्वारा उनके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी बीच उनके पुत्र को सूचना प्राप्त हुई कि उनका पिता मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं, जिसके बाद वहां से लोग आते हैं और अपने पिता को सही सलामत लेके घर पहुंचते हैं, जिसके बाद परिजनों में एक तरह से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं परिवार के लोग पूरे मामले को लेकर, पहले आपको सुनाते हैं कि दो दिन पहले मौत के बाद अब जिंदा वापस लौटने की बात सामने आ रही है। ऐसा मामला संज्ञान में आया है और राय थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली थी परिजनों के द्वारा, उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। बाद में जो व्यक्ति है वो सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं और उनके मृत होने की जो खबर है वो सही नहीं पाई गई। सर, तो अंतिम संस्कार जो किया गया, तो क्या उसकी जांच पहले नहीं की गई थी कि वो व्यक्ति वही है कि नहीं है? परिजनों ने चूंकि उस डेड बॉडी को अपने ही परिजन के रूप में स्वीकार किया था, उन्होंने पहचान की थी कि उनके ही जो पिता है उसके रूप में उनके पुत्र ने पहचान की थी, और इसी कारण उनके परिजनों को वो डेड बॉडी से बदले भी दिया गया था। लेकिन बाद में जो मृत हैं वो अपने घर वापस लौट आए और सब कुशल हैं। फिलहाल पुलिस के स्तर से इस मामले की जांच, पुलिस के स्तर से हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो मृत हैं वो कौन है और उनकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है? दो दिन पहले जैसे माँ को अपना अंतिम संस्कार कर रहे थे और मतलब अचानक से कहीं से फोन आया। अच्छा। कि जो वहाँ पर एक लाश पड़ा हुआ है और पिताजी हमारा ऐसे भी मतलब वो मतलब कहीं गया हुआ था और अचानक से लाश को पता चला। हम लोग ने गए तो अच्छा, देखने में जैसे लग रहा था कि मेरा पिताजी जी, और भी आदमी बोले कि पिताजी जी तुम्हारा जैसे लग रहा है। हाँ। तो हम वैसी लवारिश मतलब उस लाश को हमको लाके पिताजी, हमने उस लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए हमने रिपोर्ट करे थाना को। अच्छा। और उसके बाद हम क्या किए, जो उसी को लाए और अंतिम संस्कार करके और उसके बाद हमने घर आया, तो मेरा पिताजी को अचानक कहीं ना उस बात को पता चला कि मेरे घर पे मेरा लड़का जो है जो अंतिम संस्कार कर रहा है, कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि जो पिताजी को जैसे हमको पता चला, वैसे हमने मुजफ्फरपुर गए और पिताजी को लाए, तो पिताजी सही मेरा जिंदा है। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? तेजू सहनी। अच्छा, तो मतलब ये दो दिन पहले आप लोगों को सूचना दिया गया, आप लोग डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिए, तो वो जो डेड बॉडी था वो किसका था, और आपके पिताजी कह रहे हैं कि आ गए हैं लौट कर, तो ये क्या मामला है? मामला यही है कि वो बस हम यही इतना ही था कि जो देखने में लग रहा था कि मेरा ही पिताजी जैसा है, तो मतलब हमने इस चीज़ को मतलब हम समझ गए पिताजी जी है, मगर वो चीज़ हमको पता नहीं किसका लाश था वो। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद। कहाँ घर हुआ? बभनगावा। पिताजी का क्या नाम बताए हैं? तेजू सहनी। अच्छा, जिंदा आ गए हैं घर पे? हाँ, जिंदा आ गए। तो जैसा कि आपने सुना कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे पीड़ित परिवार, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जिस व्यक्ति का मरा हुआ समझ के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वो आज भी सही सलामत है और अपने घर में है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।